सबका स्वागत है हमारे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दाल और चावल को भिगोए बिना पीसे बिना बहुत ही टेस्टी व स्वीट कॉर्न ढोकला की रेसिपी। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ली है और 1 कप दही डाल देंगे। सूजी आप कोई भी ले सकते हो, बारीक वाली या मोटी वाली। और आप इसमें दही की जगह पे छाछ का भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा खट्टा वाला दही छाछ कुछ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। दही और सूजी दोनों को मिक्स कर देंगे इस तरह से, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और सूजी को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए, और इसे साइड में रख देंगे। और हम स्वीट कॉर्न ढोकला बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न ले लिए हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कद्दूकस कर रही हूँ। आप चाहे तो स्वीट कॉर्न के दाने को निकाल के आप मिक्सी जार में डाल के इसको दरदरा इसका पेस्ट भी तैयार कर सकते हो। और इसी तरह आप इसकी इस तरह से कद्दूकस भी कर सकते हो, आपको जो सही लगे उसे आप इस तरह से आप इसको कर सकते हो। और मैंने दोनों स्वीट कॉर्न को ऐसे कद्दूकस करके उसकी अच्छी पेस्ट तैयार कर ली है इस तरह से। ये देखिए मेरी पेस्ट बन के रेडी हो गई है। ये देखिए ऐसा दरदरा पेस्ट हमें बनाना है मिक्सी जार में, या ऐसे कद्दूकस करके कैसे भी आप बना सकते हो। और स्वीट कॉर्न के थोड़े दाने मैंने साइड में निकाल लिए हैं। अब हमारी सूजी अच्छे से फूल के रेडी हो गई है। अब हमने जो स्वीट कॉर्न की पेस्ट तैयार की है वो इसमें डाल देंगे और थोड़े से दाने हमने साइड में रखे थे वो भी इसमें डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। अब 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली गिंजर और गार्लिक की पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल देंगे। आप इसमें हल्दी का भी यूज़ कर सकते हो, आपको पीले वाले ढोकले पसंद है तो आप इसमें हल्दी का यूज़ कर सकते हो, मैं वाइट ही बना रही हूँ। थोड़ी सी हींग डाल देंगे। और ढोकले हमारे सॉफ्ट बने इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑयल का यूज़ किया है। ऑयल डालने से ढोकला बहुत ही सॉफ्ट बनता है, उसका मॉइस्चर भी बहुत ही अच्छा रहता है। और सभी को मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और ये बैटर हमारा थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। 2-3 टेबलस्पून में इसमें पानी डाल रही हूँ, आप छाछ का भी यूज़ कर सकते हो। 1 टेबलस्पून और पानी डाल देंगे और सभी को मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा बैटर बन के रेडी हो गया है। बैटर ना ही गाढ़ा ज़्यादा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है, सेमी थिक बैटर हमें रेडी करना है, इससे ढोकला बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। और ये हमारा बैटर बन के रेडी हो गया है। मैं अब इसमें 1/2 टेबलस्पून इनो सॉल्ट का यूज़ कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि इनो हमारा एक्टिवेट हो जाए। और एक ही डायरेक्शन में हमें इसको थोड़ी देर ऐसे ही चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना है वरना इनो का रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा और ढोकला सॉफ्ट नहीं बनेगा, इसलिए थोड़ा ही इसको चलाना है। और ये बैटर हमारा बनके रेडी हो गया है। अब हमने पहले से ही प्लेट को ऑयल से ग्रीस करके रखा था, अब हम इसमें बैटर को डाल देंगे। आप कोई भी प्लेट का यूज़ कर सकते हो। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा टेप कर देंगे। और हमने स्टीमर पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। आप कोई भी बड़े बर्तन में भी इसको कुक कर सकते हो। आपके पास ऐसा नहीं है तो फिर आप कोई भी बड़ा बर्तन में इसे ही प्लेट रख के भी इसको आप स्टीम कर सकते हो। अब ऊपर से हम थोड़ा सा रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ा सा वाइट तिल स्प्रिंकल कर देंगे, इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो ये ज़रूर से ट्राई करें। अब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए इसे इसको कुक कर लेंगे।
और 10 मिनट के बाद हम इसको चप्पू की मदद से चेक कर लेंगे कि ढोकला हमारा स्टीम हुआ कि नहीं। और ये देखिए चप्पू हमारा एकदम क्लीन आ रहा है, इसका मतलब कि ढोकला हमारा बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको पीसीस में कट कर लेंगे, आप अपने हिसाब से पीसीस बना सकते हो छोटे या बड़े। इस तरह से हमें इसको काट लेना है। स्पैचुला की मदद से हम इसको बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। और ये देखिए कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट हमारा ढोकला बना है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम टाइम में ये बन जाता है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनता है। और ना ही दाल और चावल को भिगोने की झंझट, ना ही पीसने की झंझट, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही टेस्टी हमारा स्वीट कॉर्न ढोकला बन के रेडी हो गया है।